हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हिमांश में। हमने बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास को कवर किया था। अब ये आगे की क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं आज हम। तो अगर आपने अभी तक पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे, फर्स्ट वीडियो इसका, तो उसे ज़रूर देख लें। और जिसने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, वो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना मिले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, फर्स्ट ये 51 क्वेश्चन है हमारा। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? नान्य देव, नरसिंह देव, विजय देव, हरिदेव। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नान्य देव। क्या हो जाएगा? नान्य देव। देखिए, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्य देव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। अब कर्नाट की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी सिमरावगढ़ को बनाया था। और कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। अब देखिए, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मिथिला का स्वर्ण युग कौन सा काल कहलाता है, तो वो आपको बताना चाहिए कि कर्नाट वंश का शासनकाल क्या कहलाता है? मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मति सिंह, श्याम सिंह, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरिदेव सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। और इन्होंने पंजी व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। किस किस की थी? पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। और ये कला और साहित्य के क्या थे? महान संरक्षक थे। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, या धर्मशास्त्र के समय में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्मशास्त्र के समय में। देखिए, धर्मशास्त्र के समय में चार वर्ण थे। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियाँ यथा अम्बस्ट, उग्र, निषाद, मागद, वैदक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया था। और पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया था। कितने? अब देखिए, पाणिनि ने कितने शूद्रों का उल्लेख किया है? तो दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। कौन कौन से थे? निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पर्शीय माने जाते थे। जो इसमें पहले प्रकार के शूद्र थे, वो ही क्या थे? अस्पर्शीय माने जाते थे। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अब कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध सभा थी, वो किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में, या राजगृह में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर में। क्या होगा? कश्मीर में। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। अब देखिए कि जो लास्ट अंतिम, ये कह सकते हैं, संगीति जो थी, वो किसके शासन में हुई थी? तो ये कुषाण के शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। किसने की थी? वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष थे। और वसुमित्र कौन थे? इसकी अध्यक्षता की थी। और यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, महाकश्यप, संघरक्ष, पार्श्वक। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप थे। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका, राजगृह या राजगीर में। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके
उनसे संबंधित चार स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह दो स्तंभों एवं सेकंड में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। तो इसका इनका जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, प्रथम प्रवचन कौन सा था और इनका निधन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये हुआ था लुम्बिनी में, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इनको सारनाथ में हुई थी, और प्रथम प्रवचन इनका कहाँ था, सॉरी ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई थी, देखिए जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको बोधगया में, कहाँ पे हुई थी, बोधगया में, और प्रथम प्रवचन इनका कहाँ था, तो वो हुआ था सारनाथ में, कहाँ हुआ था, सारनाथ में हुआ था, और इनका निधन कहाँ हुआ था, वो कुशीनगर में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में। नेक्स्ट, बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, सिमंदर स्वामी को, पार्श्वनाथ स्वामी को, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां एक गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुआ था, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर क्यों बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को, कब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा की रात को, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, अब ये भी पूछा जा सकता है कौन से वृक्ष के नीचे, तो आपको पता होना चाहिए कि पीपल के वृक्ष के नीचे उनको इस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं या 6ठी शताब्दी में ही निर्मित हुआ था। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना, अब देखिए जो यूनेस्को है उसके द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब बना था, ये तो ये बना था 2002 में, कब बना था, 2002 में बना था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, या हर्ष के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कनिष्क के समय, कब होगा, कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बोध संगीति में बौद्ध धर्म कितनी उसमें बट गया था, तो ये 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया था, और महायान शाखा को बुद्ध को देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बौद्धिस्तवों की भी पूजा प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में, या पाटलिपुत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में, क्या होगा, वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी, और 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं पे क्या था, वज्जी और मल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। पूछा जा सकता है कि कौन से 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, तो वो था वज्जी और मल। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा है, मौर्य, कुषाण, गुप्त, या पाल। तो राइट आंसर इज गुप्त, क्या होगा, गुप्त। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावेश बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। अब 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त प्रथम ने, किसने की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था, और बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त और बलिदित्त नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए थे।
नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए? तो इसमें आएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हैनसांग यहाँ पे आए थे। कौन से यात्री आए थे? तो चीनी यात्री हैनसांग यहाँ पे आए थे। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। क्या होगा? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यान से पढ़ना है। देखिए, कथन एक क्या कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, और उसका कारण क्या है? महाविहार को राजकीय पृष्ठ मिलना बंद हो गया था। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो इसका सही है बी, दोनों ए और आर सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में, या ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। कब हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। अब प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा कौन था? तो ये बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। नेक्स्ट, मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, ग्रीवरेज, राजगृह या चंपा? तो देखिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए और सी दोनों होंगे। देखिए कैसे, कि मगध की आरंभिक राजधानी तो कौन सी थी? ग्रीवरेज थी। कौन सी थी आरंभिक? ग्रीवरेज थी। और बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। बाद में क्या किया था उदयन ने? उसे ग्रीवरेज से चेंज करके उसका नाम क्या कर दिया था? पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी रही थी। गुप्त काल तक मगध की राजधानी थी। और मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथ और पुराणों में अलग अलग विवरण भी मिलता है। नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने, शुंग वंश ने, गुप्त वंश ने, या कुषाण वंश ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश ने। किसने किया था? मौर्य वंश ने। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। कितने राजा हुए थे? 9। नेक्स्ट, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ए भास, बी शुद्रक, सी विशाखदत्त, या डी अश्वघोष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। कौन थे? विशाखदत्त थे। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कहाँ से सूचना प्राप्त होती है? तो ये विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। अब इन्हें चंद्रगुप्त को किसका पुत्र माना गया है? तो इन्हें नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। क्या क्या कहा गया इन्हें? इन्हें वृषल और कुलहीन कहा गया है। और 18वीं शताब्दी में धुरेन्द्र राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो महापद्मनंद, धनंद, सुकल्प, या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसमें आएगा धनंद। क्या होगा? धनंद। महापद्मनंद में उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में से 8 मिलती है। कितनी मिलती है? 8। इस वंश का अंतिम शासक धनंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। किसका समकालीन था? सिकंदर का। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमिज
कहा है। अब यूनानी लेखकों ने क्या कहा है उसे, उसे अग्रमिज के नाम से संबोधित किया गया है और जेनोफोन ने उसे बहुत ही धनंजय व्यक्ति बताया है। भद्दशाल उसका सेनापति था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? तो राइट आंसर इज सी, लकड़ी का बना हुआ है। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई में मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये स्पूनर महोदय को जाता है। किसे जाता है? स्पूनर महोदय को जाता है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्भरहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने, शिवाजी ने, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, शिवाजी ने। किसने किया था? शिवाजी ने। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्ट प्रधान की व्यवस्था की थी। किसकी की थी? तो इन्होंने की थी अष्ट प्रधान की व्यवस्था की थी, यानी उसमें 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें कौन थे? पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राय एवं न्यायाधीश सम्मिलित थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को क्या देना था? परामर्श देना मात्र था। क्या था? सिर्फ ये परामर्श देते थे और इन्हें किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति क्या था? उत्तरदायी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस विजय की बात की जा रही है यहाँ? दक्कन की विजय की बात की जा रही है। तो ये किसने प्राप्त की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या कुणाल ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। कौन से? चंद्रगुप्त ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों में जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब कहाँ प्राप्त हुए हैं? दक्षिण भाग में अनेक स्थलों पर किसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं? अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। किसने की थी? अशोक ने सिर्फ एकमात्र कलिंग विजय की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वह है, तो कौन सा है? ए, कलिंग शिलालेख, बी, अशोक का गिरनार शिलालेख, सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या डी, अशोक का सोपारा शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। क्या हो जाएगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। देखिए, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से क्या यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी। इम्पॉर्टेंट है सुदर्शन झील, कि सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने बनवाई थी। अब बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषाप्स ने इसे जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इसे पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अद्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चौल, पांडे, सत्यपुत, केरलपुत, ताम्रपर्णी, श्रीलंका को छोड़कर स्वतंत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है।
नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये मगध में की गई थी, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगृह। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पाटलिपुत्र में। कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्म की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, इम्पॉर्टेंट है कि अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। उनके अभिलेखों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो उनके अभिलेखों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? अब प्राचीन भारत की कौन सी लिपि थी तो जाए दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी या नंदा नागरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरोष्ठी। कौन सी है? खरोष्ठी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन और कनिघम आदि विद्वानों को जाता है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। कौन सी भारत की लिपि थी? उत्तर पश्चिम, मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सभी क्या है, अशोक के मूल संदेश हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, मास्की का लघु स्तंभ, रुमिनदे स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाबरू का स्तंभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाबरू का स्तंभ। भाबरू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया और पेज से लाजा मगध संग अभिवादेतुनु आहा अपावा धंतच, यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पे डाला गया है? आर्थिक जीवन पे, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। तो राइट आंसर राजनीतिक नीतियाँ। नेक्स्ट, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए, कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। किस नीति की व्याख्या कर रहा है? विदेश नीति की। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या भी मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन में कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था को भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका क्या हो जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है? उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट, मैगसनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 4, 5, 6 या 7। तो राइट आंसर है 7 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। देखिए, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में, मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन किसके लिए किसने लिखी थी? टैसियस ने, पिलनी ने, टॉलमी ने, स्ट्रैबो ने, यह उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियस सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिश्र के बंदरगाहों से निवेशक, व्यापार एवं अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा।
इसने भारत से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या कनिष्क ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदनी नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य ही सही उत्तर है। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय या मौर्यों के समय। तो राइट आंसर इज कुषाणों के समय। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, गांधार शैली और मथुरा शैली। कौन कौन सी थी, गांधार शैली और मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया था और गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। कौन सी कला से प्रभावित थी, तो ये यूनानी कला से प्रभावित थी। नेक्स्ट, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी, अशोक ने, अजातशत्रु ने, कनिष्क ने या कालाशोक ने। तो राइट आंसर इज कनिष्क ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, सातवाहन, कुषाण, कन्वा या गुप्त। तो राइट आंसर इज कन्वा या कर्ण ने। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया था। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कर्ण या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, गुप्त काल की, प्रतिहार युग की, राष्ट्र युग की, सातवाहन युग की। तो राइट आंसर इज गुप्त काल की। किसकी थी, गुप्त काल की। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। अब देखिए कौन सा किया जाता था, कि गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपित एक प्रमुख बंदरगाह था, ताम्रलिपित एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। और पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, ब्रिकच या भड़ोच था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणा और बैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपज का छठवां भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो छठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी, पार्थियन की, हिंद यूनानी लोग, कुषाण या गुप्त। तो राइट आंसर इज गुप्त की। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे, उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहक क्या था, गरुण गुप्तों का राजचिन्ह था। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, आर्यभट्ट ने, भास्कर ने, ब्रह्मगुप्त ने, वराहमिहिर ने, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, सुश्रुत, सौमिला, शुद्रक या शौनक। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। चीनी यात्री हैनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तक्षशिला में, विक्रमशिला में, मगध में या नालंदा में। तो राइट आंसर इज नालंदा में।
हैनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या काजी? तो राइट आंसर इज मथुरा। कवि बाण निवासी थे पाटलिपुत्र के, थानेश्वर के, भोजपुर के या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर इज पाटलिपुत्र के। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट कौन थे? ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी भी थे। हर्षचरित, कादंबरी, चंडीशतक इनकी प्रमुख रचनाएँ थीं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग 405 ईसा पूर्व में, 635 ईसा पूर्व में, 637 ईसा पूर्व में, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट की, चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त, श्रीगुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फायान के भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फायान में भारत के विभिन्न स्थानों का क्या क्या था? भ्रमण किया था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यगुप्त? तो राइट आंसर इज कुमारगुप्त। इसमें देखिए, कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। क्या थी? महेंद्रादित्य थी। नेक्स्ट, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जावा या सुमात्रा से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जावा, सुमात्रा से। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी थे। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। क्या कहा गया है? परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बाल पुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुवर्ण भूमि के शासक बाल पुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने की प्रार्थना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, कुषाण, सीथियंस या मुगल? तो राइट आंसर होगा मुसलमान। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल, गुज्जर, प्रतिहार, चाहमान या परमार? तो राइट आंसर इज चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बताए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। कौन से मंदिर महादेव का? कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल, नरेंद्रपाल? तो राइट आंसर इज धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्री ज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे और यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है? कदम का। संगम युग में उरेयोर किस लिए विख्यात था? तो ये विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। और संगम युग में उरेयोर कपास और सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था।
नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? तो राइट आंसर इज विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? वृषल और कुलहीन कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? वृषल और कुलहीन कहा गया है। और धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका भी लिखी है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? कलहड़, बिलहड़, जयानक या चंद्रबदाई? तो राइट आंसर इज डी। स्वप्नावास दत्ता के लेखक कौन है? कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर? तो राइट आंसर क्या है? भास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बाणभट्ट ने, चंद्रबदाई ने, हरिसेन ने या कालिदास ने? तो राइट आंसर इज कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग है। कितने हैं? 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण और कार्तिकेय के जन्म का वर्णन मिलता है। कीरत अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी? भट्टी ने, शूद्रक ने, कालिदास ने, भारवी ने? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर इज भारवी ने। पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। किससे ली गई है? महाभारत से। इसमें अर्जुन तथा किरात वैश्यधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका राइट आंसर होगा मिलिंद पहो। क्या है? मिलिंद पहो। नेक्स्ट, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त, परिमल गुप्त? तो राइट आंसर इज बाणभट्ट ने। हर्षचरित ग्रंथ की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है। चौल वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर इज विजयालय। कौन है? विजयालय। चौल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए था? ग्राम पंचायत के लिए। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो इसके आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।